रह जाएगा माँ का भाई। हाँ इसने मेरे को मारा। जिंदगी में मोह माया नहीं, कुछ कमीने यार चाहिए। जाऊं मैं और ऊंचाइयों में, बस आप सबका प्यार चाहिए। तो और भाई लोग, क्या हाल चाल है यार? अब देखो, आपको तो पता ही होगा कि कल मेरा बर्थडे था और मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे इतना बिस कर दो जितना किसी ने किसी को न किया हो, रिकॉर्ड तोड़ दो यार। और सच में आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि कल वाली वीडियो में मुझे 14,000 से भी ज्यादा कमेंटें आई थी। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग मुझे इतना प्यार एंड सपोर्ट देते हैं, उसके लिए धन्यवाद दिल से। खैर अब बात करते हैं इस गेम प्ले की। तो पिछली बार मैंने सिवर्नी में 17 किल करके अपना एक रिकॉर्ड बनाया था और इस बार वो रिकॉर्ड मैं तोड़ने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, काफी मजा टाइप का आएगा। पर फिलहाल हम उतरे सिवर्नी और उतरने से पहले ही हवा में देखो क्या गला सीन होते हैं। अरे मैया, अरे इनका क्या काम बन गया? अरे मैया ओ भाई, तितली बनू उड़ दी फिर मत। ओ भाई साहब, उनका पैराशूट देखने लायक था यार। अरे उस कोड़े पूरी नॉर्मल मिल जाती है। जंग खत्म नहीं हुई, मंजिल अभी बाकी है। तू फिकर न कर, तेरे भाई की ये क्या भी काफी है। तो यार यहाँ पे उतरते ही मैं दो बंदों की पेटी बनाता हूँ, लेकिन जैसे ही आगे जाता हूँ तभी तभी मुझे ये बंदा दिखता है जो कि यमराज की पेटी बना दिया होता है। तो इसकी पेटी बना के मैं बदला लेता हूँ, लेकिन उतना ही में ये सीन होता है। अरे देखो, नॉक रिवाइव तो गेम के हिस्से हैं, वरना तेरे भाई के गली गली में किस्से हैं। अब देखो ये बंदा पीछे से छलकपट करता है, इसलिए मैं नॉक हो जाता हूँ। और वैसे भी भैया अपन कोई अश्वास थामा तो है नहीं कि जो नॉक ही हूँ यार, ना तो नॉक वॉक चलता रहता है। पर फिलहाल मैं रिवाइव हो जाता हूँ, तो देखो यार उसके बाकी की टीममेट को कैसे निपटाता हूँ। सामने साइड हो बंदे, तुम्हारे आते ही बदल जाता है मेरे दिल दिमाग का मौसम। सलवार सूट पहन के तुम और भी लगती हो मौसम। अब ये सारी भैया किसी प्रॉपर एक लड़की के लिए नहीं है, जो भी मुझे पसंद करती है उन सब के लिए है। तो यार यहाँ पे स्टीम की मैं पेटी बना देता हूँ और जैसी पट्टी लगाता हूँ उतना ही में ये सी होता है। अरे ओपी पीछे से मारा शॉटगन, देख के कैसा लगा ये सीन। और आज हमारे साथ खेल रही है जॉम्बी क्वीन। तो यार यहाँ पे जॉम्बी क्वीन को ये बंदा नॉक कर देता है, तो मैं सीधा जाता हूँ इसकी पेटी बनाता हूँ। पर उतने में बान हाउस से एक बंदे की फुटस्टेप आती है, तो मैं यहाँ आता हूँ और फिर और ये बंदा नहीं, हमारे सम्मानीय अनमी बोर्ड दादा होते हैं। तो इनकी पेटी बनाने के बाद मुझे लगता कि सिवर्नी में बेकार टीम बची है, तो मैं फटाफट सकारा लूटता हूँ और रोड के उस पार जाने लगता हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बीच रास्ते में अब जो मेरे साथ सीन होने वाला है वो अलग लेवल का होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, मजा टाइप का जाएगा। और ये बंदा मत डालता भी। खैर देखो, जैसे तैसे मैं बच जाता हूँ, तो मैं पट्टी लगाता हूँ और फिर आगे जाता हूँ। लेकिन घर में जिस पे टैप टैप करना, और भैया इस बंदे का नाम होता है सबका जी जा। लेकिन सच बताऊं तो जब मैंने फर्स्ट में पढ़ा था, तो मैंने पढ़ा सबका लेंगे, तो मैं हंस दिया था यार। अरे ओपी चाचा,
बेटा मत बन, तू ज्यादा प्रो हो, सकारल से पिलेगा। फौजी आ गया है गेम में, अब पूरा सर्वर हिलेगा। तो यार यहाँ पे फाइनली इस टीम की भी मैं पेटी बना देता हूँ, लेकिन उतना ही में यहाँ पे दूसरी टीम आती है जिनमें से एक बंदा ज़ॉम्बी को नॉक कर देता है। और फिर म्यूटेंट चला रहा है लव लोंडा नाम उसका, लव लोंडा। नीचे से जा रहा है, न हवा लगे ना ठंड। इस बंदे का नाम था जेम्स पेंसिल। एक नीचे था, बहुत हार्ड। तो यार यहाँ पे एक नहीं एक्चुअल में दो टीम आती हैं, जिनमें से एक टीम की पेटी मैं बना देता हूँ, लेकिन जेम्स पेंसिल वाली टीम अभी भी बची पड़ी है। तो मैं फटाक से नीचे की तरफ आता हूँ और यहाँ से थोड़ी देर टीपीपी लेता हूँ, लेकिन जब कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो मैं आगे की तरफ जाने लगता हूँ, और उत्तर में ये सीन होता है। और बंदा भैया सिर्फ 1 HP का बचा था, तो मैं समझ गया था कि चाचा मुंडी नहीं दिखाएंगे, इसलिए मैं खुद आगे जाता हूँ। लेकिन उतने में सिवर्नी में एक फुल सकॉट गाड़ी से जाती है, तो पहले इस बंदे को निपटाएंगे फिर उस सकॉट की बारी। एक राइट में, एक लेफ्ट में, इसी के अंदर है। ये घुमा फिरा कर बात करना मुझे आता नहीं, एक तेरे सिवा और कोई मुझे भाता नहीं। और इस बंदे का नाम पढ़ो यार, कितना प्यारा नाम है, लव लौंडा। लेकिन इसका जो टीममेट था फुल टर्कीबाज, जेम्स पेंसिल। भला ऐसा नाम कौन लिखता है यार। ये मेरे को बहुत लग रहा है। सलवार सूट के साथ छोटी सी बिंदी पसंद है, मुझे अंग्रेजी से ज्यादा हिंदी पसंद है। लेकिन अब मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आगे जो सीन देखने वाले हो वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन एक बात मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि अब से लेकर लास्ट तक मैं जितने भी बंदों को मारूंगा उन सबके नाम आप पढ़ते जाना, क्योंकि भैया उसमें भी आपको काफी मजा आने वाला है। पर फिलहाल अब आप ये सीन देखो। अब इस बफा ने बेवफाई की वाले बंदे को मैं नॉक करता हूँ, उसके बाद पट्टी लगाता हूँ, लेकिन उसका दूसरा टीममेट लेफ्ट में जाता है। तो देखो यार अब आगे क्या होगा। अब ये बंदा बान हाउस में चला जाता है, तो मैं निंजा टेक्निक करता हूँ और फिर अरे वो रहा देखो जीने को देगा, देख लगा। एक नंबर का गधा, कहाँ देख रहा। अरे एक हीरा रिलोड कर रहा है। अब सामने की तरफ आप जो दो बंदे देख रहे हो उन दोनों बंदों का नाम सविता भाभी होता है। तो भैया दो दो भाभियों ने तुम्हारे भाई को घेर चुकी हैं यार, तो बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। अरे यार भाई तुम्हें जोस्टिक साथ में दे रही। अरे शांत हो जाओ। भाई बहुत हार्ड था ये गेम। अरे भाई यार दे सीरियसली, नाचो नाचो। मैं तुम्हारा ताला, तुम मेरी चाबी, 7 लाख से ज्यादा मेरे भाई हैं, बन जाओ ना इनकी भाभी। तो यार फाइनली मैं सभ्यता भाभियों को निपटा देता हूँ, और इसी के साथ पूरा सिवर्नी भी खाली हो जाता है। तो एक शायरी और कहना चाहूंगा, अभी मेरी सांसें थमी नहीं हैं, आपके प्यार से आंखों में नमी नहीं है, कर दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर मेरी वीडियो में कोई कमी नहीं है। तो यार अगर आपको वास्तव में क्लच अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो सब्सक्राइब के लाल बटन को काला करना मत भूलना। खैर इसके बाद एक बोरदादा रहते हैं जिनकी मैं सम्मान पूर्वक पेटी बनाता हूँ, और फिर यहाँ से लूट लाट करके सीधा पोचंकी की तरफ आता हूँ। पर तभी बीच रास्ते में ही ये सीन होता है।
अरे सही वाओ कते जाए बोला कर रहे वीर मार रहे हैं भाई। अरे बोट आ रहा है सामने से रियल बंदा। तो सामने की तरफ एक रियल बंदा देखता है जिसको मैं सस्ता सपने देता हूँ लेकिन उससे वो बच जाता है। तो मैं गाड़ी उठा के रश करता हूँ और फिर इसका दिमाग खराब है। वो देखो इसके बंदे पीछे और इस बंदे का नाम होता है तमंचा। और भैया इस मैच में हर एक बंदा अजीबो गरीब नाम लिखा है। अभी भी आगे और पढ़ना आप। पीछे एक ही पिला नहीं है तो तमंचा पावर 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 मच जाता है पूरे रेंगल में शोर जब चलाता है तुम्हारा भाई M4। तो इस बंदे का नाम होता है झाकर। तो इसकी मैं झाकर उतारता हूँ और अब बचा है एक लास्ट बंदा। तो क्या उसे मैं मार पाऊंगा जानने के लिए देखते रहिए फाजी सी जगह में। ले भैया कैंपर एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत जग में सब कहेंगे मर गया मादर चोट लाला। जिनको हम चुनते हैं वही हमें ढूंढते हैं चाहे बीबी हो या नेता दोनों कहाँ सुनते हैं। तो यार यहाँ पे इसके तीन बंदों को मैं निपटा देता हूँ लेकिन लास्ट बंदे का नाम होता है खतरा। और ऊपर से ये सांप बने थे तो आपको पता ही होगा सांप का चक्कर मुंह से टक्कर। तो यहाँ पे मेरी पेटी बन जाती है और इसी के साथ आज नहीं हो पाता चिकन डिनर। लेकिन फिर भी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना चैनल में ना तो प्लीज सब्सक्राइब करना और साथ ही इंस्टा को फॉलो कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर जाते जाते आज आपसे एक बात कहूंगा। मेहनत का फल मीठा होता है लेकिन इंसान करने से डरता है और हिम्मत मत हारो कभी क्योंकि एक एक बूंद से घड़ा भरता है। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में नहीं था मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव अ गुड डे लव यू ऑल जय हिंद जय भारत जय माता दी।